लेकिन जो कल पटना एयरपोर्ट पर रनवे तक की तस्वीरें आई है, जो वीडियो आया है, नागरिक उड्डयन मंत्रालय को, एयरपोर्ट अथॉरिटी को, माननीय गृह मंत्री जी को इसका जवाब देना पड़ेगा, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को। क्या यही धर्म सिखाता है, यही सनातन सिखाता है कि आप अराजकता करें, आप हंगामा करें, नियम कानून को तोड़ें? नमस्कार, आप लाइव स्ट्रीम्स देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ रोहित वर्मा। बाबा बागेश्वर आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के जाने के बाद अब सियासत और तेज होती हुई जा रही है। एक तरफ जब बाबा बागेश्वर बिहार पहुंचे भी नहीं थे, तब सत्ता पक्ष के लोग बाबा बागेश्वर पर कई सवाल खड़े कर रहे थे, और अब देखिए, जब कल देर रात बाबा बागेश्वर पटना एयरपोर्ट से अपने जगह के लिए प्रस्थान करते हैं, तो उस वक्त कई लोगों की तस्वीर सामने आती है जो रनवे पर भक्त लोग पहुंच जाते हैं। एयरपोर्ट अथॉरिटी से जवाब अब आरजेडी मांग रही है, गृह मंत्री से जवाब अब आरजेडी मांग रही है। वहीं आरजेडी ने साफ साफ कह दिया है कि ये क्या अफगानिस्तान जैसी स्थिति यहां पर है। सबसे पहले हम आपको सुनवाते हैं आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी किस तरीके से बाबा बागेश्वर पर और गृह मंत्री पर और साथ ही साथ बीजेपी को घेरते हुए क्या कुछ कह रहे हैं। सबसे पहले आप वो सुने। चिंताजनक है और ये दुर्भाग्यपूर्ण है। 5 दिनों तक बाबा का कार्यक्रम पटना में हुआ, इसके बावजूद सारी चीज़ों को शासन प्रशासन ने कंट्रोल किया, लेकिन जो कल पटना एयरपोर्ट पर रनवे तक की तस्वीरें आई है, जो वीडियो आया है, वो ये क्या बता रहा है? नागरिक उड्डयन मंत्रालय को, एयरपोर्ट अथॉरिटी को, माननीय गृह मंत्रालय, माननीय गृह मंत्री जी को इसका जवाब देना पड़ेगा, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को। क्या यही धर्म सिखाता है, यही सनातन सिखाता है कि आप अराजकता करें, आप हंगामा करें, नियम कानून को तोड़ें? ये तो अफगानिस्तान वाली हालत दिख रही, तस्वीरें दिख रही है। ये आखिर क्या बताना चाह रहे हैं कि कोई नियम कानून से ऊपर हो गया? कोई भी व्यक्ति इस तरह का अगर करता है तो इसका मतलब है सीधे तौर पर उन्होंने कानून व्यवस्था को तोड़ा है, और भारतीय जनता पार्टी जो आवभगत में लगे हुए थे उनको इसका जवाब देना पड़ेगा, इसके ऊपर कार्रवाई बनती है। तो आपने सुना, साफ तौर से बाबा बागेश्वर से सवाल वो पूछते हुए नजर आ रहे हैं आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी। और कहीं ना कहीं जो तस्वीरें कल निकलकर सामने आई थी, और आपने लाइव सिटीज पर भी आज सुबह सुबह देखा कि किस तरीके से बाबा बागेश्वर के समर्थक, बाबा बागेश्वर के भक्त लोग पटना एयरपोर्ट के रनवे तक पहुंच जाते हैं, तो उसको लेकर अब आरजेडी ने मोर्चा खोल लिया है। आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने साफ साफ सवाल खड़ा किया और अफगानिस्तान से तुलना इस स्थिति को देखते हुए उन्होंने कर दी, और साथ ही साथ उन्होंने गृह मंत्री से जवाब मांगा है, एयरपोर्ट अथॉरिटी से जवाब मांगा है, साथ ही साथ बीजेपी पर जमकर हमला बोलते हुए आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी नजर आए। जिस तरीके से राजधानी पटना से सटे नौबतपुर के तरेतपाली मठ में एक बड़ा कार्यक्रम चल रहा था, उस कार्यक्रम के दौरान लाखों की संख्या में लोग पहुंचे थे, और कल बाबा बागेश्वर अब अपने स्थान के लिए प्रस्थान कर चुके हैं पटना से, अब उनका कार्यक्रम समाप्त हो गया है, मगर अब सियासत भी कम होने का नाम नहीं ले रही है। अब देखिए, जिस तरीके से कल वीडियो सामने आया, समर्थकों के द्वारा उनका वीडियो जारी किया गया, सोशल मीडिया पर वो वीडियो वायरल होने लगा, और जिस वीडियो पर अब आरजेडी ने अपना गुस्सा जाहिर किया है, जमकर हमला बोला है आरजेडी ने, अब देखना है कि जिस तरीके से बीजेपी पर हमला आरजेडी की तरफ से किया गया है, तो इस पर क्या कुछ प्रतिक्रिया निकलकर सामने आती है। बहरहाल, इस खबर में सताएं, अगर आपने अब तक लाइव सीरीज को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्द से जल्द लाइव सीरीज को सब्सक्राइब कर लिए, साथ ही साथ हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करना, वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।